तो हेलो स्टूडेंट कैसे हैं तो अभी की क्लास ये वाली तो आ, हमारा जो लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था हमने क्या क्या कवर कर लिया था चैप्टर कौन सा चल रहा था सर चैप्टर चा चल रहा था फिक्स इनकम सिक्योरिटी वैल्यूएशन ऑफ ईल्ड एंड रिस्क जिसमें हमने क्या देखा था कि फिक्स इनकम का मतलब क्या है कि डिबेंचर या बॉन्ड के ऊपर जो एक इंटरेस्ट मिलता है उसे फिक्स इनकम कहते हैं और हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना था सर इसके अंदर हमें डिबेंचर और इसके ऊपर जो भी था एक तो हमें इंट्रेंसिक वैल्यू पढ़ना है, यही टॉपिक चल रहा है इसके बाद आज ईल्ड और एक छोटा सा टॉपिक आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है ठीक है तो हम आ जाते हैं इंट्रेंसिक का निकालने के लिए इसमें रिडीमेबल हो सकता है और इन हो सकता है आपका अभी रिडीमेबल वाला सारा का सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया था इन रिडीमेबल वाला भी आज हम कवर कर लेंगे और विदाउट इंटरेस्ट रेट जिसको हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं उसको भी कवर कर लेंगे इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखा एक हमने बुक का क्वेश्चन देखा और इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन देखा और ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका मैं सोल्यूशन फटाफट कर देता हूं सो so दैट आपको ईजी रहे कहता है कि सर बॉन्ड का हमारा फेस वैल्यू एक हजार है कूपन रेट जो दे रखा है फोर्टीन परसेंट यानी जो इंटरेस्ट है वो एक सौ चालीस आएगा इसका फोर्टीन परसेंट रिडीमेबल एट पार है और रिडीमेबल वैल्यू दे दिया दैट इज एट पार का मतलब एक हजार टेन ईयर टाइम है तो आपका जो टाइम है दैट इज टेन ईयर इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली ठीक है सर बहुत अच्छी बात है फाइंड आउट द इंटरेस्ट इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब बॉन्ड की वैल्यू बताओ बारह चौदह और सोलह तो पार्ट नंबर वन हमारा जो पी जीरो कह लेते हैं या फिर आप बी जीरो कह सकते हो इसको निकालने का क्या है हमारा सर हमारा इंटरेस्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं पी वी एफ से एफ से प्लस रिडीमेबल वैल्यू इसको पी वी एफ से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल फॉर्मूला एक ही बार लिख रहे हैं फिर बाकी आगे इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे रिपीट करते जाएंगे क्या है 140 एफ की जगह छोड़ देते हैं प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितना है 1000 चलिए कितने साल टाइम है सर 10 साल तो हम कैसे करेंगे पहले हम 12% परसेंट का कर रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 एक साल दो साल तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस तो इसका आ गया जीरो पॉइंट थ्री टू वन जितने ज्यादा पॉइंट में लेते हैं उतना एक तो मैं कम पॉइंट में ही लेके कर सकता हूं और इसके बाद जीटी दबाएंगे तो फाइव पॉइंट सिक्स फाइव इंटू में एक सौ चालीस सेवन नाइन वन प्लस थ्री टू वन तो सेवन नाइन वन प्लस थ्री टू वन यानी हमारे बॉन्ड का प्राइस आ रहा है ग्यारह सौ बारह रुपए होना ग्यारह सो बारह सो चाहिए लेकिन एक तरीके से हजार का मिल रहा है मार्केट में ये मान के चलो तो हमें ये परचेज कर लेना चाहिए तो बॉन्ड शुड बी परचेज हमें ये परचेज कर लेना चाहिए ठीक है ना चलिए सर पॉइंट नंबर टू अब हम करते हैं फोर्टीन परसेंट पे तो अगेन हमारा जो इंट्रेंसिक वैल्यू है दैट इज बी जीरो पी जीरो तो हमारा फोर्टीन परसेंट पे अगर लें तो ये दोनों फोर्टीन परसेंट ही है वैसे तो एक सौ चालीस का ब्याज इसको थोड़ी जगह छोड़ देते हैं एक हजार रिडीमेबल वैल्यू तो हम निकालेंगे फोर्टीन वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन फोर एक साल दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस जीरो पॉइंट टू सिक्स नाइन इसका जीटी करेंगे फाइव पॉइंट टू वन सिक्स तो ये हमारा आया सात सौ तीस रुपए अब आप देखेंगे जैसे हमने रेट बढ़ाया रेट बढ़ाने का मतलब क्या इन्फ्लेशन बढ़ गया तो यहां पे हमारा कितना था सात सौ इक्यानवे यहां सात सौ तीस तो जैसे जैसे रेट बढ़ता है ना हमारे बॉन्ड्स की प्राइस कम हो जाते हैं इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाता है कम रिक्वायर्ड रेट का मतलब हमें इतना ब्याज चाहिए हमें इतना रिटर्न चाहिए तो उसके हिसाब से उसका प्राइस कम होना चाहिए तभी आपको कम पैसे लगा के ज्यादा ब्याज मिलेगा तभी रिटर्न कमा सकते हो ये टू सिक्स नाइन प्लस सात सौ तीस प्लस टू सिक्स नाइन तो लगभग लगभग क्योंकि दोनों का रेट सेम था तो ये हजार ही आएगा तो यहां पे कोई भी डिसीजन आप खरीद भी सकते हो और नहीं भी खरीद सकते थर्ड पॉइंट सोलह परसेंट लेते हैं क्योंकि बराबरी में कोई फैसला लिया नहीं जा सकता ठीक है सर ओके okay, ओके okay है तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो थर्ड पॉइंट बी जीरो सर सोलह परसेंट का रेट है तो एक सौ साठ इसको इंटू छोड़ देते हैं यहां पे हम प्लस हजार और अब देख लेते हैं अब 16 परसेंट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी कम होने का मतलब भैया सस्ता होना चाहिए तो इसे हम तो खरीदेंगे भी नहीं तो वन डिवाइडेड एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस तो जीरो पॉइंट टू टू सिक्स जी टी दबाया मैंने तो फोर पॉइंट एट थ्री थ्री इन टू वन सिक्सटी तो ये आ गया हमारा सात सौ तिहत्तर प्लस दो तो सौ छब्बीस सात सौ तिहत्तर प्लस टू शायद कुछ मिस्टेक तो नहीं करा वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन सिक्स सोलह परसेंट ही है जी हाँ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस टू टू सिक्स जी टी फोर एट थ्री में यहां गड़बड़ कर दिया मैंने ये एक सौ चालीस लेना था है ना ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मैंने रिक्वायर्ड रेट वाला इंटरेस्ट ले लिया इंटरेस्ट तो एक सौ चालीस रहेगा वही कहूं मैं आ कैसे गया बराबर सिक्स सिक्स सेवन सिक्स प्लस टू टू सिक्स अब ये देखेगा ये आ गया नौ सौ दो तीन रुपए जो भी आ रहा हो आपका अप्रोक्स इस केस में हमें बॉन्ड को नहीं खरीदना चाहिए तो एक ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था इसका सोल्यूशन होपफुली समझ में आ गया होगा तो जितने भी दिए थे छोटे छोटे से हम फटाफट दस पंद्रह मिनट में खत्म कर लेंगे चलिए सर ये भी होमवर्क में दिया हुआ है कहता है अ बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू एक हजार फेस वैल्यू इज एक हजार कैरिंग कूपन रेट 14% परसेंट सेम बोल रहा है रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर यानी हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो 140 आएगा 14% परसेंट के हिसाब से टाइम जो है वो 10 साल है और कहता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी रिक्वायर्ड रेट बोलता 16% परसेंट चाहिए बोलता है अगर हम रिडीमेबल ये और ये करें तो इंट्रेंसिक वैल्यू निकालिए यानी हमारे आरवी दो है आर वी हो गया हमारा नौ सौ पचास हो जाए तो क्या करें और आर वी हमारा एक हजार पचास हो जाए तो क्या करें चलिए पहला केस वेन आरवी इज नाइन फाइव जीरो फॉर्मूला वही लगेगा हमारा पी जीरो या बी जीरो कह लो यानी इंटरेस्ट पी वी एफ रिडीमेबल वैल्यू इंटरेस्ट क्या है सर 140 इसको जगह छोड़ देते हैं आरवी वैल्यू क्या है हमारा 950. तो 16% परसेंट वन पॉइंट वन सिक्स ठीक है सॉरी वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन सिक्स इसको एक और तरीके से कर सकते हैं बट हमने जो सीखा है वही करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस टू पॉइंट टू सिक्स सिक्स टू पॉइंट सॉरी पॉइंट टू टू सिक्स इसको जीटी करेंगे कई बार मेरी कैलकुलेशन में कुछ अमाउंट फर्क होगा क्योंकि मैं इसको फोर पॉइंट एट थ्री थ्री से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहीं पे कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े सेवन सिक्स सिक्स सेवन फाइव जीरो हमारे हिसाब से इसका प्राइस क्या होना चाहिए एट नाइन वन और मार्केट में रिडीमेबल वैल्यू क्या है हमारा सर वैसे तो हालांकि पूछा गया कि फाइंड इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो इंट्रेंसिक वैल्यू ये आ जाएगा दिख रहा है आपको इंट्रेंसिक वैल्यू ये आ जाएगा और मार्केट में कितने का चल रहा है सर 950 का और हमारे हिसाब से कितना है आठ सौ इक्यानवे का तो महंगा है महंगा है मत खरीदो इसको मार्केट में यानी इसका प्राइस होना चाहिए आठ सौ इक्यानवे पॉइंट नंबर टू वेन वेन आपका आरवी इज एस एक हजार पचास क्या करें सर क्या करें सर आ जाइए फॉर्मूला बार बार रिपीट नहीं कर रहा सीधा लिख लेते हैं हमारा बी जीरो इजिकल टू इंटरेस्ट एक सौ चालीस इसको स्पेस छोड़ दिया प्लस अब एक हजार पचास ले लेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि एक ही है तो सेम आ जाएगा हमारा जीरो पॉइंट टू टू सिक्स और फोर पॉइंट एट थ्री तो 4.833, 4.833 इनटू में 140, 676 प्लस, 1050 प्लस में 0.226 1050 इनटू में 0.226 मैंने टू सिक्स दो सौ अड़तीस ले लो प्लस छह सौ छिहत्तर ये 914 आया तो भैया ये भी दोनों काम में ये रिजेक्ट हो जाएगा बाकी इंट्रेंसिक वैल्यू पूछा था वो हमने निकाल दिया यहां तक क्लियर हो रहा है ये तो जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको सही रहे ठीक है चलिए पांचवे क्वेश्चन को भी होमवर्क में दिया था कहता है बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू एक हजार कैरिंग कूपन रेट फोर्टीन परसेंट यानी इंटरेस्ट एक सौ चालीस रिडीमेबल एट पार मेच्योरिटी आरवी आपका एक हजार ही होगा फाइंड आउट द इंट्रेंसिक वैल्यू बॉन्ड रिक्वायर्ड रेट सिक्सटीन परसेंट रिक्वायर्ड रेट सोलह परसेंट बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर टेन ईयर क्या होगा फिफ्टीन ईयर क्या होगा बॉन्ड हैज बिन ओरिजिनल टर्म टेन ईयर एंड बैलेंस थ्री ईयर एगो ठीक है सर ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो फॉर्मूला लिख दे सर पी जीरोल टू इंटरेस्ट इन टू में पी वी एफ प्लस में रिडीमेबल वैल्यू पी वी एफ आएगा इंटरेस्ट क्या आएगा सर एक सौ चालीस अब हमें सबसे पहले पहला दस सालों के लिए है तो मैं दस सालों के लिए निकाल दूं सोलह तो 10 सालों के लिए हमने हालांकि पीछे निकाला है तो मैं बार बार नहीं करना चाहता 16 10 सालों के लिए 4.833 4.833 प्लस रिडीमेबल वैल्यू जो दे रखा है सवाल में एट पार है तो हजार इन टू में जीरो पॉइंट टू सिक्स सिक्स है शायद जीरो पॉइंट टू टू सिक्स टू टू सिक्स पहले केस में एक सौ चालीस फोर पॉइंट एट एट थ्री फोर पॉइंट एट थ्री थ्री एक सौ चालीस सिक्स सेवन सिक्स प्लस में दो सौ छो सो दो तो हमें नौ सौ दो प्राइस होना चाहिए लेकिन सर मार्केट में महंगा मिल रहा है रिजेक्टेड पार्ट नंबर टू क्योंकि मार्केट में तो आपका हजार रुपए का है और इसका प्राइस जो एक्चुअल होना चाहिए वो नौ सौ दो रुपए होना चाहिए तो क्या करोगे रिजेक्टेड पॉइंट नंबर टू कब पंद्रह साल के लिए चलिए आ जाइए पॉइंट नंबर टू सीधा पी जीरो एक सौ चालीस यहां जगह छोड़ देते हैं एक हजार यहां जगह छोड़ देते हैं पंद्रह साल वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन सिक्स एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये आ गया वन जीरो सेवन पॉइंट वन जीरो सेवन जी टी कर तो फाइव पॉइंट फाइव सेवन इंटू एक सौ चालीस कर देते हैं दैट इज हमारा आ गया सेवन एट जीरो प्लस एक सौ सात तो ये आ गया हमारा एट एट सेवन तो भैया ये भी बेकार हो गया क्योंकि इसका प्राइस होना चाहिए आठ लेकिन मार्केट में कितने का हजार का तो ये भी रिजेक्टेड थ्री कहता है कि आपका दस साल इसका मेच्योरिटी था और तीन साल हो गए तो आप मुझे एक बात समझाइए एक बात समझाइए ये दस साल इसका टेन्योर है और हम क्या निकालते हैं इसमें पीछे की वैल्यू निकालते हैं आगे की वैल्यू निकालते हैं या आज की वैल्यू निकालते हैं तो ये है आज हम यहां खड़े हैं तीन साल बाद ये आज है और ये फ्यूचर है तो हमें आज की वैल्यू चाहिए तो अगर मैं इसका टेनयर निकालता हूं तो कितने साल पूरा तो दस साल था तो हमें कितने साल के बारे में सोचना है सेवन ईयर तो सर पार्ट थ्री पी जीरोल टू एक सौ चालीस और हमारा सेवन ईयर से लेके चलेंगे तो यहां ब्रैकेट प्लस में एक हजार बस अब सेवन ईयर लेके चलना पड़ेगा आपको सेवन ईयर के हिसाब से दस साल थे लेकिन तीन साल तो बीत गए तो हमें आज की वैल्यू चाहिए तो तीन साल बाद की वैल्यू ये हो तो सर वन पॉइंट वन सिक्स वन डिवाइडेड एक दो तीन चार पांच छ सात जीरो पॉइंट थ्री फाइव जी टी फोर पॉइंट जीरो थ्री एट सर पांच सौ पैंसठ प्लस तीन सौ तिरपन या गया नौ सौ अठारह इस केस में भी सर रिजेक्ट हो जाएगा ये तो ये क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट फाइव सा मैंने दस तक दिए थे अभी फटाफट निपटा लेंगे बीस एक क्वेश्चन है और बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है उसको हम जल्दी जल्दी निपटा लेंगे इसमें बताइए कोई डाउट है तो आपको किसी का कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए डाउट बहुत सिंपल सा टॉपिक्स है